हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 4, सब्ट्रैक्शन पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, वो हम रीड करेंगे। उसके बाजू में पिक्चर्स भी दिए होंगे और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यू कैन सी हियर, एक टीचर है और एक स्टूडेंट्स दी है, आप जैसी अच्छी अच्छी, और यहाँ पे स्टोरी दी है शॉर्ट, तो वो स्टोरी हम रीड करेंगे, उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, द टीचर रिटर्न्ड अ 9 कलर पेंसिल किट टू आयशा। यानी कि ये टीचर है, टीचर ने आयशा को कितनी पेंसिल दी है, 9 कलर पेंसिल। हाउ मैनी कलर पेंसिल गिव द आयशा, 9। यानी कि इट इन दैट किट टू पेंसिल डिड नॉट बिलोंग टू हर, सी ऑनेस्टली गेव देम बैक टू द टीचर। हाउ मैनी पेंसिल्स वेर लेफ्ट विथ आयशा। यानी कि 9 पेंसिल दी थी, उसमें से 2 पेंसिल रिटर्न कर दी थी, तो आयशा के पास कितनी पेंसिल लेफ्ट होगी, यानी कि 9 कलर पेंसिल में से 2 कलर पेंसिल उसने रिटर्न दे दी है। तो अब आयशा के पास कितनी पेंसिल बचेगी वो हम देखेंगे, यानी कि हम 9 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 कलर पेंसिल हमने दी है, उसमें से 1 और 2 कलर पेंसिल ऐसा उसे टीचर्स को रिटर्न कर रही है। तो अब ऐसा के पास कितनी पेंसिल बची वो हम फाइंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाउ मैनी पेंसिल्स, 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 7। यानी कि आयशा वॉज लेफ्ट विथ 7 पेंसिल्स। आयशा के पास कितनी पेंसिल बचेगी, अब 7 पेंसिल्स बचेगी। देन नेक्स्ट स्टोरी अब रीड करेंगे। रोहन शो अ जार फुल ऑफ नट्स। एक जार था, वो जार नट्स से पूरा भरा हुआ था। यानी कि ये कौन है, रोहन है, और उसके हाथ में देखो जार भी है, और उसके नीचे अंदर जार में नट्स भी है। द जार हैड अ नैरो नेक। यानी कि जार के ऊपर नैरो नेक था, यानी कि जार का जो ओपन करने वाला ढक्कन होता है वो कैसा था, नैरो, यानी कि छोटा सा था। ही पुट हिज हैंड इन टू द जार एंड ट्राइड टू द टेक आउट 8 नट्स एट अ टाइम। यानी कि वो नट्स में हाथ डालता है और उसमें से 8 नट्स निकालता है। कितने नट्स निकालता है, 8। बट व्हेन ही पुल्ड आउट हिज हैंड ही कुड नॉट डू सो एंड स्टार्टेड क्राइंग। हिज मदर सेड डोंट बी ग्रेडी, ड्रॉप 5 नट्स डाउन टू गेट योर हैंड्स आउट। रोहन डिड हैज हिज मदर शेड एंड हा वॉज हैप्पी टू गेट द नट्स। हाउ मैनी नट्स डिड रोहन गेट एंड द एंड। यानी कि फिर क्या होता है, उसके हाथ में से नट्स गिर जाते हैं और उसमें से 5 नट्स गिर जाते हैं, तो अब रोहन के पास कितने नट्स होंगे वो हमें फाइंड करना है। यानी कि टोटल 8 नट्स से उसमें से 5 उसने गिरा दिए थी। यानी कि अब 8 लाइनिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि यू थिंक दैट कि दिस इज अ नट्स, यानी कि 8 नट्स की हमने 8 लाइनिंग कर दिए, उसमें से 5 ड्रॉप आउट हो गए। यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। अब उसके पास कितने नट्स बचे वो हम फाइंड करेंगे। 1, 2, 3। यानी कि रोहन के पास 3 नट्स होंगे, यानी कि हमारा आंसर है 3। रोहन हैड 3 नट्स विद हिम। रोहन के पास कितने नट्स होंगे, 3 नट्स होंगे। स्टूडेंट्स क्लियर। देन नेक्स्ट एक्टिविटी, माय नेम इज मीनर। यहाँ पे देखो आपको एक बहुत बड़ा पिक्चर दिया है ना, वो पिक्चर्स के ऊपर से हमें ये स्टोरी दी है। ये पजल्स बुक है, उसमें से हमें यानी कि
सब्ट्रैक्शन करके हमें आंसर फाइंड करना है. ओके, ये लाइब्रेरी दी है, वहाँ पे कॉमिक्स बुक है, आर्ट्स बुक है, हिस्ट्री बुक्स है एंड कुकिंग बुक्स है और बहुत सारे स्टूडेंट्स है और यहाँ पे लाइब्रेरियन बैठा हुआ है. तो चलो फर्स्ट क्या है, माई नेम इज़ मीनर, आई वॉन्ट टू अ बुक शॉप विथ माई ब्रदर. वो बुक शॉप पर गई, किसके साथ गई थी, उसके ब्रदर के साथ. आई बॉट 4 पजल्स बुक फॉर माई सेल्फ एंड 3 पजल्स बुक फॉर माई फ्रेंड्स. आई बॉट ब्लैंक्स पजल बुक्स इन ऑल, यानी कि 4 पजल्स बुक्स मीनल ने भी ली एंड 3 पजल्स बुक उसकी फ्रेंड्स ने भी ली. तो उसने टोटल कितनी पजल्स बुक लेंगी, यानी कि टोटल करने के लिए हम एडिशन करेंगे, यानी कि 4 लाइन करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन 3 कॉमिक्स बुक की 3 लाइन, 1, 2, 3. यानी कि टोटल कितनी पजल्स बुक होंगी वो हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यानी कि यहाँ पे उसके पास टोटल 7 पजल्स बुक होगी. द नेक्स्ट, माई ब्रदर प्रशांत लव्स स्टोरी बुक्स, ही बॉट 6 स्टोरी बुक्स. हाउ मैनी स्टोरी बुक, 6. उसने 6 स्टोरी बुक्स ली थी एंड गेव मी 3 स्टोरी बुक्स. उसने से उसकी सिस्टर्स को उसने 6 बुक्स दे दी थी. ओके, यानी कि प्रशांत के पास टोटल 6 बुक थी, उसमें से 3 बुक्स उसने अपनी सिस्टर को दे दी. तो प्रशांत के पास कितनी बुक्स होगी वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लिख 6 काम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 बुक्स की 6 लाइन है, उसमें से 3 कट करेंगे, 1, 2 एंड देन 3. तो प्रशांत के पास कितनी बुक होंगी वो फाइंड करेंगे, 1, 2, 3. यानी कि हमारा आंसर होगा नंबर 3. देन नेक्स्ट, देर वेर 9 कुक बुक्स. कितनी कुक बुक्स थी, टोटल 9 कुक बुक्स थी. वी बॉट 3 फॉर मम्मी. उसने उसमें से 3 बुक्स उसके मम्मी के लिए ले ली. कुक बुक्स वेर लेफ्ट देर, यानी कि वहाँ पे कितने कुक बुक्स हो गए, यानी कि टोटल 9 थी, उसमें से 3 हमने ले ली है. तो अब कितनी लेफ्ट है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 9 बुक्स की 9 लाइन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. उसमें से 3 हमने परचेस कर ली, यानी कि 1, 2 एंड देन 3. तो अब हमारे पास कितने लेफ्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6. यानी कि वहाँ पे बुक शॉप में अब कुकिंग की 6 बुक ही होंगी. एंड देन लास्ट, द शॉपकीपर ऑल्सो पैक द 3 बॉक्स ऑन साइंस, देन 2 वर्क बुक्स फॉर मैथ्स, 4 इंग्लिश राइम्स बुक टुगेदर. यानी कि एडिशन करेंगे, देयर वेर ब्लैंक्स बुक्स इन दैट पैकेट. पैकेट के अंदर 3 साइंस की बुक, 2 वर्क बुक एंड 4 इंग्लिश रैम की बुक रखी है. तो टोटल उसके पास उसने शॉपकीपर ने कितनी बुक्स पैक थी की थी, यानी कि एडिशन करेंगे, 3 बुक्स की 3 लाइन, देन 2 बुक्स की 2 लाइन एंड देन 4 बुक्स की 4 लाइन करेंगे. अब ये सारी लाइन हम रिकाउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यानी कि उसके पास टोटल पैकेट में 9 बुक्स होगी. क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे रिवीजन स्टेशंस, यानी कि पूरे चैप्टर में हमने जो स्टडी किया है वो यहाँ पे रिवीजन करेंगे. फर्स्ट है टेक अवे 2 फ्रॉम 8 वी गेट, यानी कि 8 में से हमें 2 माइनस करने हैं तो हमारे पास 6 बचेंगे. वो आप काउंटिंग करके भी कर सकते हो. तो अच्छे से आप लोग अपनी बुक में लाइनिंग ड्रॉ करना और उसमें से 2 अवे, यानी कि 2 कट करना है, यानी कि हमारा आंसर आएगा
6. Then next 10 minus 3. 10 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7. आप लोग को स्टूडेंट्स क्या करना है, बुक लेनी है, उसमें लाइनिंग ड्रॉ करना है, 3 कट करना है, फिर आंसर करना है. क्लियर? यहाँ पे आंसर लिखेंगे 7. Then next 6 minus 0. यानी कि कोई भी डिजिट में से 0 माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जो डिजिट है वही का वही, यानी कि आंसर आएगा यहाँ पे 6. Then next 8 minus 8. यानी कि जो डिजिट है उसमें से वही डिजिट हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0. तो यहाँ पे डी आंसर है. देन 4 में से कितने माइनस करेंगे तो आंसर वही का वही 4 आएगा. यस, 0, क्योंकि जो डिजिट है उसमें से कुछ माइनस नहीं करेंगे तो ही हमारा आंसर होगा जो डिजिट है वही का वही, यानी कि 4. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो 5 माइनस 2. अब आपको देखना है कि 5 लाइनिंग होनी चाहिए, उसमें से 2 लाइनिंग कट की होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइनिंग, तो इज इज़ अ रॉन्ग. देन नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 लाइनिंग है लेकिन उसमें से 2 कट करनी है, तो यहाँ पे तो 1 ही कट किया है तो ये भी रॉन्ग है. देन नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 5 लाइनिंग टोटल है, उसमें से 1, 2, 2 भी कट किए, यानी कि ये हमारा सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हैं उसमें से कितने कट किए हैं वो हमें यहाँ पे फॉर्मूला थ्रू लिखना है, यानी कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें से कट कितने किए, 1, 2, 3, 4 यानी कि 7 टोटल में से 4 कट किए, यानी कि हमारा आंसर आएगा बी. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, यानी कि 1, 2, 3, 4 4 लाइनिंग है उसमें से 4 को 4 कट कर दिए, यानी कि 4 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 4. देन नेक्स्ट 6 minus 3, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, टेक अवे 3 फ्रॉम 6, टेक अवे 6 फ्रॉम 3, एडेड 6 एफ एंड 3, 6 plus 3 एड, यानी कि यहाँ पे ऐड तो किया ही नहीं, यहाँ पे कौन सी साइन है, सब्ट्रैक्शन की साइन है, यानी कि हमें टेक अवे किया है, यानी कि टोटल 6 में से हमने 3 टेक अवे किया है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा. एंड देन लास्ट वन 5 minus 2, इट्स मीन्स 5 में से 2 माइनस किया है, 5 minus 2 यानी कि 3 plus 0. तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है उसमें से हम 2 कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2, 3. तो यहाँ पे टोटल 3 कहाँ पे है, तो 3 plus 0 यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे ये आंसर आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू.